राहुल ये कर्जे की चिंता खाए जा रही है, ये कर्जा निकल जाए तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। हाँ मोदी जी, पिछले साल की आपकी फसल बाढ़ में बह गई थी तब आपने कर्जा लिया था, किससे लिया था? अरे राहुल, मैंने योगी जी से कर्जा ले लिया था, मूल रकम तो मैं दे चुका हूँ, थोड़ा सा ब्याज रह गया है, सूद रह गया है। अरे रस्ते चलते मांगते रहते हैं ये योगी जी, इनका कर्जा निकल जाए बस। अरे अखिलेश, तुम्हारे ऊपर भी तो कर्ज है योगी जी का। अरे मोदी जी, क्या बताऊँ, मेरे ऊपर तो लालू जी का कर्ज है। असल में मैंने पहले कर्जा योगी जी से लिया था, जब उन्होंने बहुत सख्ती से अपना कर्जा मांगा तो मैंने लालू जी से कर्जा उठाकर योगी जी को दे दिया, अब लालू जी का कर्जा मेरे ऊपर हो गया है। अरे मोदी जी, वो देखो योगी जी और लालू जी चले आ रहे हैं, लगता है अपना कर्जा मांगने के लिए आ रहे हैं, क्या करें अपना लोग, क्या करें? अरे मेरे तो हाथ पैर फूल गए योगी जी को देखकर, मैं क्या करूं राहुल? ऐसा करो मोदी जी, अखिलेश आप झोपड़ी के ऊपर बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लेता हूँ, वो तुमको देख ही नहीं पाएंगे। अरे राहुल, तुमने मोदी जी को देखा? मैं उन्हीं को देखता हुआ फिर रहा हूँ, वो ज्यादातर वक्त तुम्हारी झोपड़ी पर गुजारते हैं, इसीलिए मैं यहीं पर देखने के लिए आ गया। नहीं योगी जी, मैंने तो नहीं देखा मोदी जी को। क्या बात है, क्या काम है उनसे आपको? अरे राहुल, क्या बताऊं, किसी के सामने भी कहते हुए बुरा लगता है। पिछले साल मोदी जी की जब फसल बाढ़ में बह गई थी तो इन्होंने मुझसे 50,000 का कर्जा लिया था, अभी तक नहीं चुकाया है, जबकि उस कर्जे का ब्याज 1,00,000 रुपया हो चुका है। और लालू जी, आप कैसे आए हुए? अरे मैं अखिलेश को देखने के लिए आया हूँ, मैंने सुना है अखिलेश यहीं पे है, मुझसे अखिलेश ने कर्जा लिया था, अभी तक नहीं चुकाया है। अरे वो दोनों लोग कर्जा दे देंगे आपका, आप घर जाओ, उनकी फसल तो आने दो, फसल जैसी आएगी वो तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। देखो राहुल, मोदी जी अगर मिले उनसे साफ साफ कह देना कि वो भले ही मेरी मूल रकम 50,000 ना दे, लेकिन ब्याज 1,00,000 रुपया दे दे मेरा। लालू जी, अखिलेश तो सही है, मैंने उससे थोड़ा सख्ती से पैसा मांगा, उसने मुझे पैसा तो दे दिया भाई, तुम मांगोगे तुम्हारा भी दे देगा, लेकिन ये मोदी जी बहुत परेशान करते हैं, ये पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं तुमने अपनी झोपड़ी के अंदर तो नहीं छुपा लिया मोदी जी को? अरे कैसी बात करते हो योगी जी, मोदी जी कोई सोना चांदी है जो मैं उन्हें छुपा लूंगा? आप टेंशन फ्री होकर घर जाइए, मैं उनसे कह दूंगा, वो तुम्हारे पैसे दे देंगे। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।